देखते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार और सुंदर श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। मैं ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 7 जुलाई 2019 से लेकर तारीख 14 जुलाई 2019 तक का रहेगा। और साप्ताहिक राशि भविष्य जानने से पहले आइए चलिए निवेदन कर दूं आप लोगों को, सभी को सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। आप जब सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा ये चैनल। इसी तरह मेरा एक म्यूज़िक चैनल भी है YouTube/kaaminikhanna music, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक मेरा कुकिंग चैनल है कमाना खाना, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 7 को चंद्रमा सिंह राशि में देर रात्रि तक बने हुए हैं और इस दिन विनायक चतुर्थी है। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:48 पर, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन सभी के लिए बहुत उत्तम होगा, खासकर जो टीचर्स होंगे काउंसिलर कंसल्टेशन वाले बिजनेस में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तारीख 8 को कुमार षष्ठी है और इसी दिन बुध वक्री हो जाएंगे, तो खासा फर्क पड़ेगा आपको मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले, वो क्या है मैं बताऊंगी आपको। तारीख 10 तारीख को आपके दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी, और 12 तारीख को विठ्ठल नवरात्र आरंभ महाराष्ट्र में माना जाएगा। वैसे 4 तारीख को गुप्त नवरात्रे लगे थे और महाराष्ट्र में अभी विठ्ठल नवरात्र आरंभ माना जा रहा है। 13 तारीख को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी जो महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है वो होगी, और इसी दिन पंढरपुर यात्रा भी है। इस दिन बुध शाम को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 14 तारीख को जो है वो आपको चंद्रमा शाम को 5:25 के बाद धनु राशि में शनि महाराज के साथ प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य कैसे रहेगा आपका ये सप्ताह। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा बने हुए हैं सिंह राशि में देर रात तक, तो आज का दिन मतलब संडे का दिन मेष राशि के लिए आज का दिन एंजॉयबल और आपके घरेलू मामलात में पैसे आपको उनके सपोर्ट से मिलेंगे। साथ ही साथ संडे है तो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा और आप खुश रहेंगे। वैसे बता दूं कि मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन की वजह से आप बहुत परेशान हैं इन दिनों, नीच का मंगल बुध के साथ में, और आप सोचते रहते हैं अपनी माता के विषय में, अपने घरेलू मामलात के विषय में, अपने सुखों के विषय में, अपने वाहन के विषय में। थोड़ा सा सोच को कम कीजिए बिकॉज ये आगे चल के स्थिति बदल जाएगी जब बुध महाराज खसक जाएंगे, लेकिन मंगल और बुध का साथ अभी देर तक बना रहेगा कुछ काल के लिए। आपके सूर्य शुक्र राहु जो बने हुए हैं उसकी वजह से आपके विवाहित जीवन में खटास आना या परिवार में खटास आना, पैसों से रिलेटेड परेशानी का उद्भव होना या आपकी वाणी की वजह से कोई प्रॉब्लम होना या वाणी में निस्तेज पना होना, ये सब नज़र आएगा। आपको जो शनि केतु साथ में भाग्य में बैठे हैं वो वॉर लाइक सिचुएशन बनाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बावजूद आपको उसका फल कम मिलता है। आपकी तबीयत इन दिनों मैं कहूँ तो थोड़ा सा आपको अपने ब्लड से रिलेटेड परेशानियाँ चल रही हैं, बीपी हाई या कोई डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी कंट्रोल में कीजिए। या अगर मैं कहूँ कि आपके बच्चों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है इन दिनों, या अपने माइंड से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं ज़्यादा, तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए। आप चढ़ा सकते हैं सूर्य को जल। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र इन दिनों सूर्य के साथ अस्वस्थ, आगे चल के वो जब मूव करेगा सूर्य आगे तो शुक्र भी साथ में मूव कर जाएंगे। तो फिलहाल मेरी आपसे एक ही प्रार्थना कि आप जो हैं वो माता रानी की, दुर्गा माँ की पूजा करते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। वैसे भी गुप्त नवरात्रे अभी तो जारी हैं तो करना शुभ रहेगा। वैसे बता दूँ आपको कि सूर्य के राहु के साथ ग्रसित होने के बावजूद भी आप जैसे तैसे
शुक्र के बल पर चल रहे थे, अब आपको घरेलू मामलात पर ध्यान देना पड़ेगा। वाहन से रिलेटेड परेशानियां, अपने मदर से रिलेटेड उनकी तबीयत का ख्याल, सुखों में कमी ये सब महसूस होगा, यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानी और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई अगर समस्या है तो उस पर ध्यान दीजिए। अभी प्लस पॉइंट आपका गुरु है जो कि आपकी हेल्थ को येन केन प्रकार फिर भी संभाले रखता है और आपके पैसों के मामले को संभाले रखता है। अदरवाइज जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा इन्वेस्ट हो रहा है और निकल कुछ नहीं रहा, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों से जो निजात चाहिए उसके लिए मैं आपको उपाय देती हूँ। आप कीजिए महामृत्युंजय का जाप और साथ में राधा कृष्ण की आराधना। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए लग्न में शुक्र सूर्य राहु कंफ्यूज स्थिति में हाथ पैर मार रहे हैं, आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पर धीरे धीरे अब आपका मन जो है वो सही चलना शुरू हो गया है, अब आप सही सोचना शुरू हो गया। हालांकि आपको मेडिटेशन वगैरह की बहुत ज़रूरत है, नर्वसनेस होती है बीच में आपको और ये परिवार की वजह से हो रहा है, आपको परिवार में सामंजस्य उनको भी बनाना चाहिए, आपको भी आपके वाणी पे आप कंट्रोल रखें, कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल में रखें, आपके अगर बच्चों से कोई परेशानी या बच्चों को कोई परेशानी होती तो आपको माता की पूजा करनी चाहिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। घरेलू परेशानियों के लिए या आपको हेल्पर्स वगैरह जो नहीं मिल रहे, सुखों में कमी हो गई है, थक जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो 15 तारीख तक रुकिए, ये काफ़ी स्थिति बेटर हो जाएगी और अगस्त के एंड के आते आते तक आप काफ़ी आश्वस्त नज़र आएंगे मुझे। अभी काम के ऑफर्स आपको निरंतर आ रहे हैं और ये काम आप लेते रहिए क्योंकि और कोई बड़ा काम आने का अभी टाइम है, तब तक कि छोटे मोटे काम जो भी आपको आते हैं आप लेते रहिए। आपके विवाहित जीवन में जो खटास है या जो कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपको ये स्थिति के लिए महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए या किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। पैसों की आवक अभी जैन के इन प्रकारेण पूरी हो जाती है लेकिन जितना पैसा आपको चाहिए उतना नहीं है, जितना काम चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा दिन रुक जाइए स्थिति बदलेगी। कर्क राशि, लग्न में बैठा बुध मंगल आपको बिठा दिया है एक जगह पर, अजीब सी स्थिति, आपसे काम होता नहीं या आप करते नहीं ये तो आप जानेंगे बेहतर, लेकिन आपको करनी चाहिए गणेश जी की आराधना। आपके प्रेम संबंधों में जो कुछ खटास है या विदेश रिलेटेड कामों में जो अड़चने हैं उसके लिए आपको करनी चाहिए दुर्गा माँ की आराधना या गणेश जी की आराधना, जैसे मैंने आपसे कही मंगलवार के दिन, और दुर्गा माँ की आराधना से आपको पैसों का लाभ होगा। वैसे आपकी माता से आपको पैसों का लाभ होता रहता है और अभी आपके मैं कहूँ अगर के परिवार में भी सब कुछ स्ट्रगलमय चल रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से काम चले, लेकिन ये काम की स्थिति जो है आपकी जस का तस बनी हुई है, ये स्थिति जाके बदलेगी 24 जनवरी के बाद, तब तक के लिए आप कर सकते हैं शिव जी की या गणेश जी की निरंतर आराधना। अब मैं आपसे कहूं कि आपके शादी भी नहीं हो रही है और हालांकि योग बनने के बावजूद भी आपको कोई पसंद नहीं आता और आप किसी न किसी प्रकार से मना कर देते हैं और ये जो आपकी ज़िद्दीपना है, ये जो आपका जो स्वभाव है कभी क्रोधी कभी प्यार, तो इससे आपको परेशानी है। आज का दिन आप एंजॉय कीजिए, आज चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और जाते जाते वीकेंड में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने पेट के लिए, तबीयत के लिए, खर्चों के लिए। सिंह राशि, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए और साथी में अब अगर कुछ भी बिगड़ता है तो आपको श्री गणेश जी की आराधना करनी है, किसी गुरु के शरण में जाना है। हालांकि आपको सूर्य के सामने जल चढ़ाना हमेशा ही उत्तम रहता है सिंह राशि वालों के लिए और आजकल तो शुक्र के साथ सूर्य है तो ये करना ज़रूरी है। आपको आपकी मदर से सपोर्ट के कारण काफ़ी चीज़ें जो आप अपने हेल्थ को बचाना या मैं कहूँ कि आपके कार्य से रिलेटेड या आपके खर्चों से रिलेटेड उनकी सलाह से आपका सब कुछ बचा हुआ है। अभी माइंड आपका बहुत विचलित है शनि केतु भ्रमण के कारण और आप तरह तरह की प्लान्स बनाते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, आपकी पढ़ाई भी ठीक नहीं चल रही, तो एक केओस जो ये बातें हैं ये थोड़े ही दिनों में ठीक होंगी।
क्योंकि लग्न में आ जाएंगे बुध और सूर्य खसक जाएंगे द्वादश में, तब भी स्थितियां पहले से बेटर होंगी और कुछ दिनों के लिए, 5 से 6 दिनों के लिए आप अपने काम कर सकते हैं। तारीख 22 से लेके आगे तारीख 27 तक, तो मैं उसके लिए तो आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप अपने सारे काम समझ के संभल के कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है बुध, वो अभी अस्वस्थ है मंगल के साथ में, तबीयत खराब होना, फिर भी तबीयत को कंट्रोल में रखने के लिए प्रैक्टिकल हो जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पैसे संभालिए, पैसे मत इधर उधर होने दीजिए, अपने पैसे थोड़े फ्रीज करके रखिए। शुभ यात्राओं में भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, अगर आप जा रहे हैं मांगलिक जगहों पर तो आप जाइए और एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं आते। घरेलू परेशानी आपको निरंतर है और माँ की तबीयत खराब है, अभी इन दिनों पिता की भी तबीयत खराब है, उनसे सपोर्ट कम है, आपको काम की बेचैनी है, थोड़ा रुक जाइए, 5 से 7 दिनों के बाद ये स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। अभी जो आपको विवाहित जीवन से सुख आराम है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक साथ सब ठीक नहीं ठीक होती चीज़ें, थोड़ी थोड़ी करके सब ठीक हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल जैसी भी स्थिति बनी हुई है उसमें आपको एंजॉय करना है अपने विवाहित जीवन को, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को, और यात्राओं में जो आपको आनंद आ रहा है उसको। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र, वो जाके भाग्य में तो बैठा, अच्छी स्थिति है, लेकिन उसके साथ बैठा है सूर्य, जो आगे 14-15 तारीख तक खसकने वाला नहीं है, लेकिन जब सूर्य खसकेंगे तो पीछे पीछे शुक्र चले जाएंगे, तो आपको अपनी तबीयत को निरंतर ये आते 1 से 2 महीने संभालना है। शुक्र अस्त पर मैं वीडियो देने वाली हूँ आप लोगों को, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बट शुक्र अस्त होने पर आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ निरंतर अच्छे रहेंगे, आपको अगर पर्सनल कुंडली दिखानी हो तो भी आप मोस्ट वेलकम हैं, लेकिन बुध और मंगल की जो स्थिति आपकी अब दशम में बनी वो भी आपको काम में असमंजस देती, ये करूं वो करूं, हर काम में आपको फ़ायदा नहीं होता और आप सोचते हैं पैसे कमाते हैं, हालांकि पैसे जो हैं आपके आगे चल के आ जाएंगे, और ये जैसे ही मंगल सिंह के होंगे आपको पैसों से लाभ होगा। इन दिनों आपकी पूर्ति हो रही है आपके परिवार के सपोर्ट से, पैसों की ज़्यादा परेशान मत होइए। हाँ, यात्रा में अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और अपना विचारों का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। वृश्चिक राशि, लग्न में बैठा गुरु आपको संभाल रहा है, नहीं तो आपने अपने परिवार से दूरी बनाई हुई है, आपने अपने वाणी के कारण बातों को बिगाड़ा हुआ है, अपनी तबीयत को संभालना सर्वोपरि है। आपके अष्टम में सूर्य शुक्र राहु जो बने हुए हैं उसकी वजह से आपको जो एक प्रकार से काम में जो पैसे आपके पड़ते ही जा रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे उसकी बेचैनी, 14-15 तारीख के बाद ये स्थिति थोड़ी संभलेगी और आप अपने काम को बेहतर पाएंगे और 8 अगस्त के बाद ये स्थिति और संभल जाएगी। बच्चों से आपको बहुत सुख मिल रहा है इन दिनों, उनकी पढ़ाई से आश्वस्त हैं, उनके आगे बढ़ने से आश्वस्त हैं, अपनी पढ़ाई से आश्वस्त हैं, अपनी हेल्थ से, माइंड की हेल्थ से आश्वस्त हैं, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अदरवाइज पैसों को लेकर, काम को लेकर आपको परेशानी है। आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना। धनुराशि, आपके लग्न में बैठा शनि केतु आपको बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डालता है, ऐसे काम दिलवाता है जो आपने कभी नहीं किए होते हैं और फिर भी आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं, आप बड़े मेहनती पायस हैं और अभी जो फिलहाल आपकी एनर्जीज लगे जा रही हैं वो बेकार नहीं जाएंगी, क्योंकि आते 11 नवंबर के बाद आपकी शादी के भी योग आएंगे और आपको अच्छे काम भी मिलेंगे, आपके माता पक्ष से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना तबीयत के लिए और अपनी प्रैक्टिकल बातों को लेकर आप सजग हो जाइए, जैसे पेट को संभालने के लिए आप बाहर का मत खाइए। विवाहित जीवन में जो खटास या दूरियाँ आई हैं वो आगे चल के 5 से 7 दिनों में सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो है 20-22 तारीख के बाद आप इन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, लेकिन फिर अलग तरीके की परेशानियां होंगी, पैसों से रिलेटेड ज़्यादा सोचेंगे या आप सोच सकते हैं अपने विरोधियों को लेकर, खर्चों को लेकर या लोन्स को लेकर, तब हम कुछ और उपाय करेंगे। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस पर ध्यान दीजिए, पार्टनर्स के साथ भी बना के रखिए।
मकर राशि। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अस्वस्थ केतु के साथ द्वादश में, बस 5-6 महीने की बात है और फिर शनि लग्न में आते ही आप अपनी सब पुरानी बातों को भूलकर एंजॉय करेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके अपने बॉडी को बना के रखिए। आपके जो विवाहित जीवन में खटास है उसके लिए थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े ही दिनों के बाद ये स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिर तब आपके कलह किसी प्रकार से नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, पैसों को लेकर खासकर, और अपने किसी भी बात से अपना बीपी हाई नहीं करना है। और यह मैं कह सकती हूँ कि अपनी त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम, भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब से निजात पाने के लिए आप निरंतर जो है माँ भगवती की आराधना करते रहिएगा। अभी जो आपके षष्ठ स्थान में सूर्य शुक्र राहु बने उससे आपके लोन्स वगैरह रुके, आपके विदेश रिलेटेड कामों में तो व्यत्यय हैं ही, और कुछ पैसों को लेकर आपको छिटपुट परेशानी आ सकती है। बाकी तो अगर मैं कहूं कि मंगल के नीच के हटने के बाद पैसे आपके इनके प्रकार खुलेंगे, लेकिन वो भी आप इन्वेस्ट करके उसको भूल जाओगे। तो फिलहाल पैसे फ्रीज करिए ताकि आप आने वाले दिनों पर आपके ये पैसे एंजॉय कर सकें। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको परेशानियां आते कुछ दिनों में महसूस हो सकती हैं, तब हम शुक्र अस्त होने पर क्या उपाय करने हैं ये मैं देने वाली हूँ अपने वीडियो में, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके माइंड पर एक केओस है और आपके विवाहित जीवन को लेकर ज़्यादा केओस है, आपके पार्टनरशिप को लेकर। तो आपको जैसे ही शुक्र अस्त होंगे उन दिनों भी और अभी भी माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। आपको श्री कृष्ण की आराधना भी फलेगी और माँ भगवती की आराधना से आपके काम नहीं रुकेंगे, घरेलू परेशानियाँ नहीं होंगी। अभी आपके पिता के सहयोग से आपके काम बन रहे हैं और वैसे भी आप धार्मिक कामों में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे काम जो धर्म से जुड़े हुए हों उनमें काम करें तो उसमें फ़ायदा होगा, आपको धन लाभ होगा। और साथ ही साथ अपनी तबीयत को इन दिनों संभालने के लिए मेरी सलाह मानिए तो आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाइए और अपने पेट को ठीक रखिए, ओवर ईटिंग ना करें। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो गुरु है वो अच्छी स्थिति में है। आप इन दिनों खूब इनडोर आउटडोर यात्राएं करके पैसे कमा रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं और आप अपनी स्थितियों को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। यात्राएं हो रही, यात्रा में लाभ हो रहा है, लेकिन माइंड फिर भी आपका चैन नहीं पाता और थोड़े दिनों में ये स्थिति बदलेगी। अभी फिलहाल गणेश जी की आराधना उत्तम रहेगी। अभी तो आपको घरेलू परेशानियां, कंस्ट्रक्शंस, रेनोवेशंस, या अगर मैं कहूँ आपको वाहन लेना, इन सब बातों को लेकर आप चिंतित हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब आप बच्चों की शादियां करना चाहते होंगे या उनकी पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा चिंतित हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड बातों से बचना चाहिए। कामकाज के लिए अभी स्थिति और बदलेगी 5-6 महीने के बाद, तब की चर्चा तब करेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छी करें और बुध की स्थिति अच्छी करें अपनी कुंडली में, साथ ही साथ अपनी बुद्धि को ठीक करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें।